देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर, सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा, यूपी अपोजिशन की हिचकिचाहट। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मुल्क की कई रियासतों में अपना सफर मुकम्मल कर लिया है और ये दिल्ली पहुंच चुकी है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी से शुरू होकर यात्रा केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से होती हुई दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली में पार्टी का एक बड़ा जलसा भी हुआ। यात्रा 9 दिन के ब्रेक के साथ दिल्ली में रुकी हुई है और दिल्ली से वो उत्तर प्रदेश का रुख करने वाली है। उत्तर प्रदेश मुल्क की सियासी एतबार से सबसे अहमियत की हामिल रियासत है, यहाँ के हालात भी इंतहाई हसास होते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दूसरी मियाद के लिए इख्तदार हासिल हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा के ताल्लुक से सियासी हलकों में कयास आराइयां शुरू हो चुकी हैं। यह यात्रा का उत्तर प्रदेश में पहला असर कहा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए समाजवादी सरबरा अखिलेश यादव, बीएसपी सरबरा मायावती और आरएलडी लीडर जयंत चौधरी को यात्रा के लिए मधु किया है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ये कायदीन इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पसोपेश और हिचकिचाहट का शिकार हैं। ये कायदीन किसी भी अवामी फोरम में कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बरकरार रखना चाहते हैं। वो इस यात्रा में शिरकत करने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस को उनसे ज्यादा तायद और हिमायत ना मिल जाए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही को बीजेपी की वाहिद मुतबादिल बरकरार रखना चाहते हैं और ये इसी वक्त मुमकिन है जब किसी और जमात को ज्यादा अवामी तायद ना मिलने पाए। समाजवादी पार्टी की तरह बीएसपी सरबरा मायावती की भी इस यात्रा में शिरकत का इम्कान नहीं है। बीएसपी को हालांकि हर इलेक्शन में जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है लेकिन मायावती के तेवर में कोई तब्दीली नहीं आई। मायावती हालिया अरसे में अपने बयान में कांग्रेस ही को ज्यादा निशाना बना रही हैं। इस एतबार से कहा जा सकता है कि मायावती भी राहुल गांधी की इस यात्रा में शिरकत नहीं करेगी। जहां तक आरएलडी का सवाल है तो इसने ये वाजह कर दिया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा की हिमायत करती है। आरएलडी ने राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत की तायद भी की है। पार्टी का कहना है कि इसके सरबरा जयंत चौधरी की पहली से मसरूफियत तय है, इसलिए वो इस यात्रा में शिरकत नहीं कर पाएंगे। जयंत चौधरी की पार्टी ने ताहम ये वाजह नहीं किया है कि किसी और लीडर को भी यात्रा में शिरकत के लिए भेजा जाएगा या नहीं। इस तरह ये वाजह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के सियासी कायदीन में इस यात्रा के ताल्लुक से चिमगोइयां जरूर हैं लेकिन वो खुलकर इसकी तायद या मुखालिफत करने से गुरेज कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि साल 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस को सबसे बड़ी जमात के तौर पर पेश करने से ये इलाकाई जमातें गुरेज करना चाहती हैं। यही वजह है कि वो यात्रा का हिस्सा बनने से गुरेज कर रही हैं, परेज कर रही हैं। जहां तक इंतखाबी पहलू की बात है तो इस यात्रा से कांग्रेस अवाम से राबता बहाल करने में जरूर कामयाब हो रही है लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं लिया जा सकता कि राहुल गांधी को कांग्रेस आइंदा अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर पेश करना चाहती है। कांग्रेस ने अब तक इस यात्रा के सियासी इम्कान से इनकार कर दिया है और इसका कहना है कि वो सिर्फ मुल्क से नफरत का खात्मा करते हुए मोहब्बत का प्याम आम करना चाहती है। इसके जरिए कांग्रेस पार्टी के अवाम से राबते बहाल हो रहे हैं और पार्टी अपने कैडर और कारकुनों के हौसले बुलंद करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के कायदीन की अदम शिरकत पर कांग्रेस ने अभी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है और अभी इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी अख्तियार की जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि यात्रा के आगाज तक कुछ कायदीन की शिरकत का इम्कान बन सकता है। उत्तर प्रदेश जैसी वसी रियासत में अपोजिशन के दरमियान इत्तेहाद जरूरी है। गुज़िश्ता 7-8 साल में जो भी इत्तेहाद के तजुर्बे हुए वो नाकाम साबित हुए हैं। बीजेपी ने अवामी तायद बरकरार रखी है। बीजेपी को आइंदा इलेक्शन में रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में इसकी सीटों को कम करना जरूरी होगा और ये उसी वक्त मुमकिन है जब संजीदा अपोजिशन जमातों में इत्तेहाद हो। इत्तेहाद की पहल यात्रा में शिरकत से हो सकती है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।